हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचर्स स्माइल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और विंटर है ना, तो किशनगंज में बहुत ही ज़्यादा है, एक्सट्रीमली कोल्ड है। तो कोल्ड वेव बोल के भी मतलब हम लोग को ड्यूटी टाइम भी थोड़ा सा चेंज कर दिए फ्रॉम 10 to 4 PM। एंड अच्छा है, मतलब ठंडा बहुत ज़्यादा है। सिक्किम में जितना ठंडा होता है ना, मतलब यहाँ पे आके लग रहा है, मतलब आफ्टर कमिंग टू द किशनगंज, यहाँ पे जो ठंडा लगता है ना, दैट इज़ टू मच। सिक्किम का ठंडा कुछ भी नहीं लगता है अभी मुझे तो। मतलब इधर का जो ठंडा रहता है ना, अंदर से बहुत मतलब हर एक सेल्स से आते हैं ठंडा। और हमारे सिक्किम में जब हम लोग को ठंडा लगता है, सिर्फ स्किन पे फील होता है। दैट्स वॉट आई फील। ओके, सो आज का वीडियो बना मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ, एक ऑरेंज फ्लेवर का केक बना के। तो आई हैड ऑरेंज, अभी ऑरेंज का सीजन तो ख़त्म हो गया, तो आई हैड 2 or 3 oranges इन फ्रिज, तो उसी का क्यों ना यूटिलाइज करें, है ना। तो इसीलिए बहुत दिनों से मन भी था कि आई ट्राई टू मेक अ केक विद दैट ऑरेंज, एंड टुडे आई फाइनली गॉट अ टाइम टू मेक दिस। एंड अभी मैं बनाने जा रही हूँ, तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ माई केक टर्न्स आउट टू बी, द होम मेड केक। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल, एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। आपको अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, कुछ कुछ जो कुछ भी हो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ऑरेंज का पेल निकाल के रखा है, और फ्रूट्स का मैं जूस भी बना चुकी हूँ। और यहाँ पे देखिए, जूस बन के रेडी हो चुका है। एंड गाइज, आई एम नॉट एक्सपर्ट, बट ऑल्सो आई एम ट्राइंग, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है, जिसमें मैं ये ऑरेंज जूस डालने वाली हूँ। सो एज यू कैन सी हेयर, एंड नाउ टू दिस बॉल कंटेनिंग द ऑरेंज जूस, आई एम गोना ऐड दिस मैदा। एंड सो इसमें मैंने मैदा डाल लिया है, पूरा पूरी जितना लिया था उतना ही डाल रही हूँ। तो यहाँ पे फिर से मैं ऐड करूँगी शुगर पाउडर, तो शुगर को मिक्सी में पाउडर करके ये भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। एंड विल जस्ट मेक अ पेस्ट, ये थोड़ा सा अमूल्य, ये मिल्क पाउडर भी मैं डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आए। ये कैसा रहेगा मुझे नहीं पता दोस्तों, कैसा होगा फाइनली, मतलब इसका फाइनल जब बन जाएगा तब कैसा रहेगा मुझे नहीं पता, बट ऑल्सो आई एम डूइंग वट माई बेस्ट, ठीक है। तो ये मैंने एक पेस्ट बनाया, स्लरी बना रही हूँ, और देखिए रेडी हो चुका है। अभी मैं थोड़ा सा ये पहले डालना भूल गई थी बेकिंग पाउडर, तो अभी डाल रही हूँ, एक फिल्ट का है, थोड़ा सा ले लिया, पता भी नहीं है कितना डालना है, फिर भी डाल दिया एक थोड़ा सा चम्मच में लेके। नाउ इसको भी मिक्स करके एक मतलब फाइनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद इन द स्लरी, एंड ऐसे मिक्स करते रहे मिक्स करते रहे। उसके बाद देखिए ये अच्छा सा स्लरी तो बन गया है। नाउ देखिए ये स्लरी बन के रेडी हो चुका है। अभी कढ़ाई बिठाना होगा गैस पे, तो उससे पहले मैंने ये भी कर लिया है, जो ऑरेंज का पील था ये भी मैंने डाल दिया है। और ये जो प्रोसीजर है ना, मैंने भी एक यूट्यूब का ही चैनल में देख के मतलब सीखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं भी कर रही हूँ। नहीं लग रहा है कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा। सो आई एम ट्राइंग, देखिए स्लरी रेडी हो चुका है पूरा पूरी नाउ। सो मैंने यहाँ पे कढ़ाई बिठाया है गैस पे, और मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, सल्ट डाल रही हूँ, ताकि मतलब सल्ट का बेड बनाऊँगी जहाँ पे वो केक को बेक करने के लिए मैं बॉल को बिठाऊँगी। यू कैन सी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, एक हाथ से मोबाइल पकड़ना और एक हाथ से ये सब काम करना, तो मैंने ये नमक डाल लिया है, इसका मैं अच्छे से बेड बना रही हूँ अभी। तो बेड बनाने के बाद इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं एक लो फ्लेम में, एंड देन विल पुट दैट बॉल ओवर इट।
तो ये हो गया। तो ये जो बॉल लिया है मैंने यहाँ पे अभी बेक करूँगी, तो इसमें ऑयलिंग करना है। तो ये ऑयल मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ दैट एप्लीकेटर। सो हियर आई एम ऑयलिंग द बॉल। Now it's ready. The bowl is ready. अभी स्लरी डालने का टाइम आ गया है। यहाँ पे डालेंगे अभी हम लोग ये स्लरी जो बना है, बहुत अच्छा बना है, लेकिन केक कैसा बनेगा वो नहीं पता है, शायद फनी भी हो जाए। तो मैंने सोचा ये जो कैज्यू है इसको भी डाल देते। तो यहाँ पे बॉल में मैंने डाल लिया है, उसके बाद ये कैज्यू नट्स भी मैं ऊपर से लगा रही हूँ, टॉपिंग कर रही हूँ। And then we'll put this into the kadai. So kadai में डालेंगे अभी। ये थोड़ा गर्म हो चुका है, यहाँ पे ये डालेंगे अभी kadai पे, बोल रख देंगे और इसको अभी लो फ्लेम में ही हीट करेंगे, पकाएंगे, बेक करेंगे हम लोग। So I'll keep this for 30 minutes. Let's see how it turns after 30 minutes. Okay. So guys, ये केक रेडी है और एक दिस इज सो मच फनी कि केक ना नीचे से थोड़ा जल गया और ऊपर से थोड़ा शायद कच्चा है और जैसा सोचा था वैसा नहीं बना है। फिर भी मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था, टेस्ट थोड़ा अच्छा है बीच में। तो मेरा केक जो कि कच्चा था ऊपर से नीचे एकदम, मतलब क्या बोलूँ, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा जल गया था। बीच का लेयर थोड़ा पकने वाला था और ऊपर का थोड़ा कच्चा था। तो मैं मतलब आफ्टर 30 मिनट्स भी नहीं, ऊपर का लेयर पक नहीं रहा था ना, तो मैंने निकाल के देखा ना तो ऐसा बन गया था, ऐसा बना हुआ था केक। तो आई थिंक मैंने, मुझे लगा ना मतलब थोड़ा फ्लफ़ी भी नहीं हुआ था, मतलब फ्लफ़ी हो रहा था, शायद वो अच्छे से पूरा पक जाता ना तो अच्छा ही होता, लेकिन मैं जल्दी से निकाल दिया ना उसको, आफ्टर 30 मिनट्स निकाल दिया, एकदम लो फ्लेम में किया था मैंने, पता नहीं फिर भी कैसे गिल मतलब जल गया नीचे। तो ऐसे हो गया मेरा केक। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बनाऊँगी ना पूरा प्रोसीजर देख के और अच्छे से बनाऊँगी, पता नहीं लेकिन कब है। तो आज थोड़ा सा टाइम मिला था, टाइम मिला था नहीं मतलब खुद से टाइम निकाल के किया था, बाकी कुछ भी काम नहीं किया मैंने, सिर्फ वो थोड़ा सा टाइम निकाल के आज, है ना, कितना ये मतलब बॉडी को हम लोग परेशान करते हैं ना, कुछ कभी तो अपने मन के भी तो करना चाहिए। तो इसीलिए आज मन के सुना, तो मन का बात मान के आज ये किया और मेरा केक ऐसा रहा। तो ये सिर्फ ट्राई ही था, ठीक है, ये भी मतलब एक ट्राई है। तो शायद मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से बनाऊँ तो आप लोग को भी दिखाऊँगी, अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी बनाया तो। तो आप लोग भी ट्राई करिए केक बना के खाने का और मेरे जैसा कच्चा मत बनाइएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।